समय बहुत तेजी से बदला है, उसी गति से बदली है हमारी सिलाई मशीन। आजकल हमें मिलती है फुल्ली ऑटोमेटिक सिलाई मशीन, जिनसे हमारा काम बहुत साफ और बहुत तेज गति से होता है। आज हम डेमो करेंगे सिंगर स्टार्ट वज्र 06 सिलाई मशीन का, जो कि सिंगर का सबसे बेसिक मॉडल है और सबसे ज्यादा बिकने वाला भी। क्या है खास वो तो जानेंगे आगे के इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये डेमो सिंगर सिलाई मशीन के एक्सपर्ट निसार भाई के साथ। आज अपन इस मशीन का डेमो करेंगे। इसी मॉडल है 1306 स्टार्ट मॉडल सिंगर सिलाई मशीन। इसके लिए इसको सबसे पहले आपसे बताया जा रहा है, इसका जो एक्सीलेटर वायर है वो इसका यहाँ पे लगता है इस तरीके से। इसके पास में एक स्विच है ऑन ऑफ का, अगर इसको आप ऑन करोगे तो इसकी लाइट जलेगी, ऑफ करोगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ से आपके पैर में ये एक्सीलेटर रहता है, एक्सीलेटर को आप दबाओगे तो मशीन आपकी चल जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप इसको पैर उठाते हो तो ये रुक जाती है। यहाँ से आपको ये देखना है नीडल की पोजीशन, अगर नीचे रहे तो अपनी सार राइट साइड में इसको हमेशा घुमाना है, लेफ्ट में नहीं घुमाना है। फिर आप यहाँ से देखेंगे तो ये इसका ऐसे बॉक्स है, इसको आप यहाँ से ऐसे हाथ रख के खोलेंगे ऐसे। इसमें इसका सारा टूल किट है जो भी इसके लिए यूज में आता है। यहाँ से आप देखते हैं तो इसको खोलने के बाद में ये बोबिन केस, इसका यहाँ उंगली लगा के आप इसको ऐसे निकालेंगे। इसमें एक बोबिन होता है जिसको आप बोबिन वाइंडर में लगाते हैं। इसमें दोनों साइड में एक कट होता है, किसी भी साइड से आप इसको बोबिन वाइंडर की स्प्रिंग के सेंटर में लगा सकते हैं इस तरीके से पुश करके। पुश किया आपने, इसके बाद में आप इसको थ्रेड लगाते हैं। तो थ्रेड लगाते समय दोनों में से किसी में भी आप थ्रेड लगा सकते हो। आप इसके अंदर थ्रेड लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। थ्रेड लगाने से यहाँ पे इसका ये गाइडलाइन दिए, इसके यहाँ लोगे, यहाँ से आप इसके अंदर इस तरीके से लेके, और वैसे होल में दिया हुआ है लेकिन इजी तरीका ये है कि आप इसको थ्रेड को इस तरीके से पकड़ के दो तीन बार इसको ऐसे लपेट दें, तो अंगूठे से इसको पुश करें। पुश करने के बाद में आप एक्सीलेटर दबाओगे तो आपकी बोबिन भर जाती है। देखिए ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ऊपर नीचे धागा होगा, इसके अंदर एक जगह नहीं रहेगी, जितना चाहे आप इसको भर सकते हैं। इसको आप इधर पुश अंगूठे से करेंगे, इसको निकालेंगे, निकालने के बाद में थ्रेड को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे एक थ्रेड कटर दिया हुआ है, इस कटर से आप इसको ऐसे पुश करेंगे, कटर से धागा आपका थ्रेड कट जाएगा। इसके बाद में अगर आप इसको बोबिन में केस में लगाते हैं बोबिन को, तो इस तरीके से लगाएंगे, धागा आपके हाथ में रहेगा इस तरीके से आप ले करके, और यहाँ से इसको ऐसे इतना धागा आप बाहर रखेंगे। जब आप मशीन में लगाएंगे तो फिर आपको ये वापस बोबिन केस की पत्ती खींच के और इसमें ऐसे डालना होगा। ये आपका बोबिन केस इसमें लग चुका है, इसको आप बंद करके और एसेसरी बॉक्स इसमें लगा सकते हैं ये ऐसे। अब आपको मशीन में अगर धागा डालना है तो उसके लिए आप देखिए यहाँ से ये धागा ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आकर गाइडलाइन से इसमें अब नहीं आएगा। अब ये यहाँ से इसका दे रखा है आपका, इसका एरो बना हुआ है। एरो के साथ साथ आप चलेंगे, जैसे जैसे एरो के साथ चलेंगे ऐसे टर्न आपको घुमाना है। टीटी लीवर जो है आपका अगर नीचे रहे तो आपको ऐसे व्हील को घुमा के ऊपर लाना है, तो टीटी लीवर के यहाँ पे आपको एरो बना हुआ है, एरो के साथ साथ धागा ऐसे लेना है। यहाँ से आपने धागा लिया, लेने के बाद में इसको नीचे करेंगे लिफ्टर को, और यहाँ से देखेंगे आप कि आपका धागा जीरो पे लूज आ रहा है, वन पे टाइट हुआ, टू, फिर थ्री, फिर फोर। ये है कि फोर और थ्री के बीच में रखने हैं। फिर यहाँ से आप नीचे जाते हैं, नीचे जा करके ये लेफ्ट हाथ से आपने धागा को पकड़ा है और राइट हाथ से इसको आप पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे इसके ये होल पिन दी हुई, इस पिन के अंदर इस तरीके डालेंगे। लेफ्ट हाथ आप छोड़ेंगे, राइट हाथ से ऑटोमेटिक धागा इसमें चला गया। उसके बाद में आपको निडिल के अंदर धागा डालना है, सामने की पोजीशन से डालना है। ये आप इसमें धागा डालेंगे, ये निडिल की पोजीशन है और ये इस तरीके से इसमें धागा चला जाएगा आपका। निडिल की पोजीशन ऑटोमेटिक नीचे जाएगी और वो जो नीचे थ्रेड है वो ऊपर आ जाएगा। आपको हाथ से खींचना है दोनों धागे को, आप मिला करके इस तरीके से लिफ्टर को ऊपर करके और दोनों धागे इसके नीचे से निकाल देंगे। ये कपड़ा लेना है, कपड़े पे आपको जिस तरीके से सिलाई करनी है, कपड़े को आपने यहाँ ऐसे लगाया। लगाने के बाद पैटर्न सिलेक्ट है ये, इसमें आप यहाँ पे ये निशान देख रहे हैं, इस निशान के सामने जिस चित्र को आप लाते हैं वो सिलाई इसमें ऑटोमेटिक आती है। आपको सबसे पहले सिंपल सिलाई जो छोटी चाहिए वो आप इस पर सामने करेंगे और नीचे आपके पैर में एक्सीलेटर है उसको दबाएंगे तो ये सिलाई आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद में आप इसके अंदर अगर इससे बड़ी सिलाई चाहते हैं तो वो बड़ी सिलाई आपकी, आपको पैटर्न सेलेक्ट को घुमाना है, निडिल की पोजीशन ऊपर रहे और उसके बाद में ये सिलाई आपकी आ जाती है। उसके बाद में कच्चा टाका जिसको बोला जाता है, तो कच्चे टाके पे आपकी सिलाई बड़ी आती है, तो ये बड़ी वाली सिलाई आप इसके सामने चित्र के सामने करेंगे तो ये बड़ी सिलाई आपकी आ जाएगी। इसको लोग कच्चा टाका भी बोलते हैं। इसके बाद में अपन इसमें चलते हैं, तो निडिल की पोजीशन ऊपर हो तभी आप इसको घुमाना। इसके बाद में इसमें जिगजाग दिए हुए हैं तीन तरीके के, ये इसमें छोटा जिगजाग है तो ये छोटा जिगजाग आपका
में ये आ जाएगा सिलाई करते हैं। अब इसके अंदर आपको इससे बड़ा जिगजाग अगर चाहिए, निडल की पोजीशन ऊपर करेंगे, फिर आप इस चित्र को इसके सामने लाएंगे। ये वो जिगजाग है जिससे आप पीको भी कर सकते हो, ठीक है। और ये बड़ा जिगजाग है, अगर आपको ये बड़ा जिगजाग जो है इसमें इंटरलॉक तो पूरा प्रॉपर नहीं होता, मगर इसको इंटरलॉक जैसा बोला जाता है, इसे आप इंटरलॉक जैसा भी कर सकते हो, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले ये सिलाई आपको जो इसमें डिजाइन पैटर्न है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये है रफू का पैटर्न, तो इसके लिए आप इससे रफू कर सकते हो, जैसा कि आपका कपड़ा कहीं से कट गया हो इस तरीके से। ये आपका कपड़ा देखिए यहाँ से कट गया है, ये रफू का पैटर्न है, अपन ने इसके चित्र के सामने किया है, और ये कपड़ा आपका मैंने अभी काट के दिखाया है। जब इसको आप करते हो तो यहाँ से कटे हुए को आप पैटर्न करके चलाओगे तो ये ऑटोमेटिक रफू हो जाएगा। इसके बीच में आपको चलाना है, बट एक बार की जगह इसको दो बार लेना है, आपको घुमाना भी है, घुमा के दो बार आप लेते हो। और मैचिंग का इसके अंदर आपको थ्रेड लेना है, जैसा आपको कपड़े का आपका कलर हो वैसा लेना है आपको। ये देखो आप, इसमें ये रफू हो गया है, ये देखिए ये आपका कपड़ा रफू हो गया है जो अभी अपन ने काटा था इसमें वो। अगर थ्रेड इसी कलर का थ्रेड आप लेते हो तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये रफू किया हुआ है। ये आप थ्रेड को काटने के यूज में भी आता है, जो आपके टूल किट में ही मौजूद है, आपको बाहर से नहीं लेना। और एक थ्रेड काटने का आपके मशीन के अंदर ही है, जिसको आप टच करते हैं तो धागा कट जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो डिजाइन पैटर्न और दिए हुए हैं, ये डिजाइन जैसे आपको किसी भी प्लेन सूट या किसी कपड़े पे बनाना है तो आप इसको गोल राउंड करके शेप करके भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से बनता है, आप अपने हाथ से कपड़े को घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा, ठीक है। जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा ये कपड़ा घूम जाता है। और उसके अलावा ये इस क्लब डिजाइन है चंद्रमा वाला, इसको भी आप प्लेन सूट के गले के ऊपर बनाना चाहें तो गले के ऊपर बना सकते हैं। ये इसको भी आप धीरे धीरे हल्के हाथ से घुमाएंगे और आप इसको घुमाना चाहें तो ये घूम जाएगा इस तरीके से। ये देखिए आपको हल्के हाथ से पकड़ के घुमाना है, जैसे भी आप चाहोगे उस तरीके से डिजाइन बन जाएगा, प्लेन सूट आपका अच्छा तैयार हो जाएगा और उससे आप अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। इसको ऑल पर्पज फुट बोला जाता है, ये फुट आपके सारे सिलाइयों में काम आता है, बट इसके लिए अलावा और अलग फुट दिए हुए हैं तो दिए हुए तो उनका यूज आप ले सकते हो। इसको आपको उठाना है तो यहाँ उंगली लगानी है, यहाँ उंगली लगा के आप इसको पुश करते हैं अपनी तरफ तो ये फुट आपका निकल जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको ये इसके अंदर पीको वाला फुट लगाना है, तो ये पीको वाला फुट भी बहुत ईजी है, ये पिन को आप इसके बीच सेंटर में रख करके पुश कर देंगे, ये लग गया। ये धागा आपको दोनों इसके साइड से निकालना, आगे से कभी नहीं लेना है, इसके साइड में कट दिया हुआ है इस कट से लेना है। पीको करने के लिए वो जिगजाग आपको लेना है सेकंड वाला, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इसको आप जब लेंगे इसके सामने तो ये पीको आपका इजी से हो जाएगा। इसके अंदर आपको कपड़ा लगाना होता है साड़ी वगैरह चुन्नी वगैरह का, इस तरीके से आप इसमें कपड़ा लगाते हैं ऐसे, ये कपड़ा लगा के इसको ऐसे नीचे रखेंगे, एक हाथ आपका ऐसे रहेगा ऐसे, एक्सीलेटर आपका पैर में है, इसको आप चलाएंगे, ये देखिए ये आपका पीको हो रहा है, दोनों हाथ आपके पीको में यूज करेंगे तो अच्छा और सफाई से आपका पीको हो जाता है। और इसके लिए आप ध्यान आपका पीको पे ही रहे, अगर इससे मोटा आपको अगर पीको करना है तो आपको फिर हर नंबर तीसरे नंबर का जिगजाग आपको करना होता है। ये देखिए ये पीको आपका हो गया साड़ी और चुन्नी में जो आपको करना है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो इसके अंदर और भी अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट अब ये जिप लगाने के लिए आता है, तो इसके ये दो साइड होते हैं, तो जिप लगाना जो होता है वो एक मोटी साइड होती है जो इसके बरोबर साथ में आ जाती है। पीको का फुट आपको उठाने के लिए उसी तरीके से पुश करना है, पीछे से आप पुश करोगे आगे से पकड़ोगे तो ये आपका फुट निकल जाता है। बाकी मशीनों में ऐसा होता है कि यहाँ पर पिन होती है उसको पुश करते हैं, तो इसके अंदर आपको फुट को पुश करना है। ये फुट इस तरीके से है कि यहाँ पे ग्रिप बनी हुई है, ग्रिप का ये है कि आप इसको दोनों तरफ से किधर से भी ऐसे लगा सकते हैं, लगा करके आपको इसमें सिंपल स्टिच सिलाई करनी होती है, सिंपल स्टिच सिलाई करनी होती है। जैसे कि जिप की ये मोटाई होती है आपकी, अगर इस मोटाई के साथ साथ में आपको टाका लगाना होता है, आपने इसको यहाँ इस तरीके से लगाया और आपने इसको सिंपल सिलाई पर किया तो ये बड़ी ही ईजी और आसानी तरीके से आपकी जिप लग जाती है। ये देखिए जितनी मोटाई इतनी होती है जितने की ये अपने पास में ये कपड़े की मोटाई पाइपिंग वगैरह के हिसाब से बनी हुई है। इसमें आपको सिंपल स्टिच ही लेनी है, कोई दूसरी स्टिच लोगे तो सुई
टूटने का पूरा चांस रहता है इसमें। अगर आपको दूसरे साइड से आपको लगाना है तो आप निडल की पोजीशन ऊपर करके इसको आप निकालेंगे और इसको आप दूसरे साइड से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। यही आपका लग गया। यहाँ पे आपको थ्रेड काटने का कटर एक और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और अगर आपको इस तरीके से लगाना है तो अब ये लेफ्ट साइड से भी लग जाएगा। ये थ्रेड आपको दोबारा से डालना है, यहाँ से ऐसे लिया और एरो के अनुसार चलना है। जैसे जैसे एरो बताया जाता है वैसे वैसे आपको लेना है, और उसके बाद में आपको थ्रेड को आगे से मुंह काट लेना है, और फिर आप इसके अंदर इस तरीके से इसको, ये देखिए ये आपका थ्रेड जो है निडल की पोजीशन में चला गया है। और अब आप दोबारा से देखिए, ये जो आप जिप लगा रहे हैं तो दोनों साइड में जिप लगाने के लिए मैंने बताया था, अब दोनों साइड में आपकी जिप लग जाती है इस तरीके से। अब और इससे अगर अपन आगे चलते हैं तो इसके अंदर और भी अटैचमेंट है जिनके बारे में और आगे अपन बताने वाले हैं। इसके लिए आपको ये जिप वाला फुटेज जैसे पहले वालों को निकाला वैसे इसी तरीके से पुश करके आगे के साइड में इसको निकालना है। और अब आगे चलते हैं तो इसके अंदर ये बटन होल बनाने का आता है, जिसको काज भी बोला जाता है। इसमें बी लिखा जाता है तो ये बैक साइड में जाएगा, ये आपकी जो निशान है रेड वाले ये सामने की तरफ रहेंगे। इसको पूरे एंड करके पुश करके लगाना है इस तरीके से। ये देखो ये बी जो लिखा हुआ है ये मैंने पीछे की साइड में रखा है, और ये आपका जो है पिन जो है इसके मैंने सामने रखा है। ये आपने पुश किया ये लग गया। इसके बाद में आप नीचे वाला थ्रेड जो नीचे रहेगा और जो ऊपर वाला थ्रेड है उसके अंदर से निकाल लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर आप इधर से बनाएं तो इधर से बन जाएगा, बस थ्रेड को थोड़ा लूज करना पड़ा है। थ्री पे है तो इसको आप टू या वन पे कर लें। अब इसके अंदर आप बटन होल बनाते हैं तो कपड़ा इस तरीके से लगाते हैं, ये आपका कपड़ा इसमें लग गया है। और बटन होल बनाने के लिए इसके अंदर अलग से आपको स्टिच करने के लिए दिए हुए, इस पे जैसे कि वन लिखा हुआ है आपने वन पे किया, इसको पूरा एंड कर दिया। फिर उसके बाद में आप इसका ये एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये कपड़ा आपकी तरफ आता है। जितना आपको बनाना है यहाँ पे रेड निशान है अंदर है, उस निशान से देख करके रोक लेंगे आप। जैसे मेरे को इतना बड़ा बनाना है। अब आप इसको बीच में करते हैं तो ये बीच में करने से ये स्टिच जो है लॉक होता है, इसको लॉक बोलते हैं टू पे करने पे। उसके बाद में आप इसको थर्ड पे करते हैं तो वापस कपड़ा आपका आगे जाता है। यहाँ तक आपने रोक लिया, फिर उसके बाद में वापस आप इसको बीच में करते हैं या फोर पे करते हैं, बात एक ही है। और इसको ऐसे करेंगे, इस तरीके से आपका एक काज तैयार हो गया। इसको आप ऊपर करें और फिर इसको ऐसे निकाल लें। इसके अंदर जो कटर आपको दिया हुआ है थ्रेड काटने का, उससे आप इसको इस तरीके से काट लें। अब आप चाहें तो इसको बीच से कट करेंगे इसी कटर से, तो ये आपका बटन होल तैयार हो जाएगा। ये आपका बटन होल तैयार हो गया। इसको आप जितना इसमें साइज दी हुई है उतना छोटा बड़ा आप अपने अनुसार मर्जी के अनुसार बना सकते हैं। उसके बाद में आप और आगे चलते हैं तो इसको पुश करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे बाकियों को पुश किया था आपने, इस तरीके से। ये अब आगे चलते हैं तो इसके अंदर एक प्लेट आती है, उस प्लेट को अगर लगाते हैं तो दोनों होल को, यहाँ पे होल होते हैं, होल के अंदर इसमें लॉक है पटरी में, इस लॉक कर को आप ऐसे लगाते हैं और नीचे जो थ्रेड है आपका वो ऊपर आ जाएगा। इससे आपके फीट डॉग मतलब मशीन के दांते जो हैं वो इसके नीचे दब गए हैं। और आपको यदि फ्रेम से कोई काम करना हो तो फ्रेम लगा करके तो इसको यहाँ से आप स्क्रू खोलेंगे, और खोलने के बाद में आप फ्रेम इसमें लग जाएगा तो फ्रेम का काम आप कर सकते हैं। यदि अगर इसके अंदर बटन का फुट नहीं आता, बटन लगाना चाहें तो वो भी आपका लग जाएगा, मगर इसके लिए फुट आपको अलग से लेना होता है। तो ये इसका प्लेट का यूज मैंने आपको बताया है। इसके लिए अब आप इसको आगे करें, ये देखिए ये मशीन के साथ में आपको स्क्रू ड्राइवर आता है। इससे आप क्या करेंगे, इसके दो मुंह होते हैं, एक छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो बड़े वाले को आप यहाँ पे जब निडल की पोजीशन है वहाँ लगाएंगे और अपनी तरफ घुमाएंगे। जैसे आप अपनी तरफ घुमाते हैं तो ये निडल निकल जाती है। निडल लगाने का तरीका ये है, फ्लेट इसमें इससे होता है वो आपका बैक साइड में जाएगा, जो राउंड इससे आता है वो आपके सामने की तरफ रहेगा। जब आप इसको लगाते हैं तो पूरा ऊपर करके इस तरीके से लगाते हैं, पूरा आपने ऊपर किया और इसको हाथ से पहले किया और यहाँ से आप इसको वापस इस तरीके से ये आपने टाइट कर लिया। ये आपका निडल लगाने का तरीका हो गया। अब इसके अंदर ये जो हिस्सा दिया हुआ है ये बोबिन केस आपका जो होता है, बोबिन केस के वहाँ पे कभी आपका धागा लूज या टाइट ज्यादा आ रहा है तो इससे आप उसके पेज के ऊपर इसको लूज और टाइट कर सकते हैं। आगे आप चलते हैं तो इसके अंदर से अपन इसको निकालते हैं सीरीज बॉक्स को। इसको निकालने से आप इसको खोलोगे, कभी आपकी मशीन जाम हो जाती है, यहाँ से आपको लगेगा नहीं चल रही है तो इसके अंदर कोई धागा टूट के फंस गया है, देखो जैसे अभी फंसा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है इसके अंदर, इसको सर्विस करने के लिए पहले आप इसका बोबिन केस निकालेंगे। इसे ये बोबिन केस निकाला आपने, उसके बाद में इसमें दो ये लॉक दिए हुए ब्लैक कलर के,
तो आप इसको राइट वाले को तो राइट में करेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट में करेंगे। इस तरीके से ये अपने आप निकल जाएगा और यहाँ से आपको ये शटल बाहर आ जाएगा। ये जो धागा आपका टूट के फंसा है, जो मशीन को आपको प्रॉब्लम कर रहा है, वो आपने निकाल लिया है। यदि अगर इसके अंदर और ज्यादा डस्ट हो तो आप पूरा क्लीन कर सकते हैं। पूरा क्लीन करने के बाद में इसके अंदर में आप देखेंगे, इसको कैरियर कहते हैं, तो कैरियर को आप जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से ये घूम जाता है। अगर यहाँ से आप इसको घुमाएंगे, निडिल की पोजिशन पूरा ऊपर ले जाएंगे, तो बड़ी इजी से आपसे ये खुल जाएगा, बड़ी इजी से आपसे लग जाएगा। इससे आपने इसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में इसके ऊपर आप ऑयल लगाओगे, दो बूंद। यहाँ पे आप दो बूंद ऑयल लगाओगे, दो बूंद ऑयल लगा करके ये निडिल की पोजीशन आपने ऊपर की है, ऊपर करने से कैरियर अपनी जगह आया है। ये शटल आपको ऑयल लगा करके और यहाँ पे इस तरीके से रखना है, बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पे आपको एक होल दिया जाता है और होल और ये इस रिंग में ये आपका पिन दिया जाता है। इस पिन को इस होल के अंदर इस तरीके से लगाया जाता है, ये बड़ी इजी तरीके से लग जाता है। उसके बाद में आपको जो इसके बटन है उसको लॉक कर देना है इस तरीके से। कोई पेच को आपको नहीं खोलना, नहीं कसना है, ये इस तरीके से आपका मशीन आपने खुद ने ही सही कर लिया है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और बोबिन के जब आप लगाओगे तो वापस उसी तरह लगाते हो आप, जिस तरीके से बताया था, यहाँ से ऐसे पकड़ के और पत्ती को थोड़ा खींच के, और ये कट की इसमें आवाज आती है तो वो आवाज आ जानी चाहिए, इस तरीके से आपसे ये लग जाता है। देखो कपड़े में ध्यान में रखने की बातें ये होती है, ये कपड़ा आपका कॉटन है, आप इसमें जींस वगैरह और जो सिल्क वगैरह कपड़ा सीना चाहते हो, अगर आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है तो आप इसमें 11 नंबर की नीडिल लगा सकते हो, वो आपके कपड़े पे बहुत अच्छी सिलाई करेगी। और जो कहते हैं लोग कि ये इस पे टॉप मारती है तो वो नहीं मारेगी, कपड़ा कटता है तो वो नहीं कटेगा, बट इसके अंदर आपको अगर जींस भी आपके घर में काट के सीनी है तो उसके लिए आपको कुछ निकलना और नीडिल ही चेंज करनी है। नीडिल आप 16 या 18 नंबर लगा सकते हो तो उससे आपका मोटा कपड़ा सिल जाएगा, पतले कपड़े के लिए 14 या 11 नंबर की सुई आप नीडिल इसमें लगा सकते हैं। और जब भी कभी मशीन के अंदर ऑयल डालना तो मैंने आपको बताया था, इस पोर्शन को आप खोलेंगे, खोलने के बाद में इसमें ऑयलिंग करके और इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। इसका जो टूल किट आता है वो थैली के अंदर आप इसमें रख कर करके और इसके अंदर आप बड़ी इजी से रख सकते हो, तो आपका ये टूल किट इस तरीके से रखोगे तो ये इसमें लग जाएगा। अभी हम देखते हैं कि इंटरलॉक कैसे होता है। इंटरलॉक उसी फुट से होगा जो ऑल पर्पज फुट है, जो आपका हमेशा इसमें लगा रहेगा। इसको आपको जैसे बताया था उसी तरीके से पुश कर देना है। दो कपड़े को जोड़ने को इंटरलॉक बोला जाता है। यहाँ से ऐसे करेंगे और ये आपका थ्रेड जो नीचे था वो वापस ऊपर आ गया, जो एक काम अपना रह गया था इंटरलॉक जैसा, उसके लिए आप या तो बीच वाला लेंगे या फिर थर्ड वाला लेंगे, सेकंड या थर्ड वाला। तो दो कपड़े को जोड़ने को इंटरलॉक जैसा बोलते हैं। तो जैसे कि ये दो कपड़े हैं आपके, दो कपड़े को आपने ऐसे इस तरीके से लगाना है, आपकी नीडल की पोजिशन जो है वो एक बार कपड़े पे जाए, दोबारा कपड़े से बाहर आए, इसका कपड़े का रुआ वगैरह जो होगा वो आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसको बोलते हैं इंटरलॉक जैसा। इसको आप इस तरीके से करते हैं। इसको आपको दूसरा फुट लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप इस तरीके से इसी ऑल पर्पज फुट से इंटरलॉक जैसा करेंगे तो ये इंटरलॉक का जैसा हो गया आपका। अगर आपको दूसरे कपड़े पे और बताना होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप लेंगे और बड़ा जिगजाग मैंने लिया है, आप चाहे तो छोटा जिगजाग भी ले सकते हैं इसमें, बट इस तरीके से आपको कपड़े को लगाना है, जिस तरीके से एक बार नीडल कपड़े से बाहर आए दोबारा कपड़े के ऊपर जाए। ये देखिए, ये बड़ा ही बहुत अच्छा और सफाई से आपका इंटरलॉक जैसा हो गया, इसमें से अब आपका कपड़े का रुआ नहीं आएगा, दोनों कपड़े बंद हो गए। दोस्तों हमने देखा कि निसार भाई ने कितनी परफेक्शन के साथ में हमें सब कुछ सिखाया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसका जवाब देने की। और अगर आप राजस्थान से हैं और अगर आपको किसी तरह की सिलाई मशीन में कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, या आपकी सिलाई मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, आपको रिपेयर करानी है जयपुर में, तो आप निसार भाई से संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमने निसार भाई का नंबर दिया है, जहां जाकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।